sit very comfortably with your back straight, not tight, simply straight. Your eyes are closed. Enter the plane of inner eye. And start looking. लगातार देखने की प्रक्रिया में रहना, मेडिटेशन प्रैक्टिस नहीं, ये प्रोसेस है, ये तेरा स्वभाव है। माइंड की डुअलिटी को देखते रहना, बहुत एग्रेसिव रहता है, मन की पॉलिटिक्स को देखते रहना, बहुत हलचल है मन की। मन का पीछे लगू नहीं होना, जो जो भी लहरें तरंगे नेगेटिविटीज की उठती हैं, कहीं किसी में इंडल्ज नहीं होना। मन पूरी तरह से हावी है, मन पूरी तरह साथ साथ अपना खेल खेलता चला जाता, ये भी उतना ही स्ट्रांग होता चला जाता है जितनी तेरी मेडिटेशन डीप होती है। साथ साथ भगवान के शैतान चलता है, परंतु तुम अपनी भगवत्ता में रहना, तनिक मात्र भी घबराना नहीं, भयभीत नहीं होना। भय, घबराहट, एंग्जाइटी, पैनिक सब मन का खेल है तुझको दबोचने के लिए, अपने साथ लगाने के लिए। खूब जोर लगाता है, तुम सहजता में बहुत सरलतापूर्ण रहना, तुम अपने स्वभाव में बने रहना। मन से संघर्ष नहीं करना और मन के उठे हुए किसी भी हालात को सुप्रेस नहीं करना। तुम जागना, तुम जागे जागे देखते रहना सारी मैजिक को। हर एक स्थिति का अनुभव लेते रहना, सब स्थितियां माइंड की है, मन की है। मैं बिल्कुल अछूता हूं माइंड से, ये अनुभव अपने आप उतरता चला आता है। माइंड से डिटैच होते चले जाना, ये डिटैचमेंट तुझको मृत्यु के पार ले जाती है, मृत्यु को भी मृत्यु लग जाती है। मन के प्रति डिटैच रहना, मन की ही एक बात माया को देखते रहना। मन माया के विस्तार को देखते रहना और यहां अपनी प्यास, अपने विराम में रहना। जो ही तुम अपनी पलकों को मूंदते ही भीतर की ओर मुड़ते हो, स्वतः ही सुरती ठहरती चली जाती है। वो अपना केंद्र, वो अपना सेंट्रल पॉइंट, वो अपना स्रोत अच्छी तरह जानने लगती है।
वो अपने महासूर्यों में स्वतः ही वापस लौटती चली आती है। कहां स्थिर होना है उसने, वो अपने आप होता है। तुम्हें कुछ करना नहीं, तुम्हें शांत मौन आकर्ता होकर के बैठ जाना है। Religion is realization for all human beings. This is a universal. Spirituality, universal religion. ध्यान की सरिता में बहते चले जाना, पूजा पाठ सिमरन जाप हवन यज्ञ मां तीर्थ यात्राएं आदि आदि बहुत हो लिया। अब इन सब का अतिक्रमण कर लेना, इन सब से ऊपर उठना, डायरेक्टली भीतर अपने स्वभाव में उतरना, इन तमाम अभ्यास की स्थितियों से अनुभव की ओर आना, तो मौन हो जाना और उसको अवसर देना उतरने का, तेरे निर्माण का, जीवन निर्माण का उसको अवसर देना, प्यास बन के उतरने का। मन कितना भी हावी होए, तनिक मात्र निराश नहीं होना। कितना भी ऊर्जा को, एनर्जी को, तेरे टाइम को खाता चले, तुझे हिप्नोटाइज्ड करता चले, तुझे अपने साथ कैरी करे, प्रवाह ना करना, पुनः पुनः अपने जागे में, अपनी होश में, अपनी सुरती में आना। कितना भी समय मन चुरा के ले जाए, भले ले जाए, निराश नहीं होना। Never get disappointed in that way, क्योंकि मन के साथ इतनी आइडेंटिफिकेशन जन्मों जन्मों की है, उसको काटना, उस तदात्मय को तोड़ना, ये स्वतः मेडिटेशन की कतार से ही संभव हो सकेगा। अंतर्ध्यान की प्रक्रिया में रहना ये संभावना फलित होती है स्वतः ही। सत्संग में बैठे हैं, प्रेम रस को तरसते हैं, राम रस को तरसते हैं, मैं खाने में बैठे हैं, तेरी मैं को तरसती है।
मैं खाने में बैठे हैं, मैं को तरसते हैं, मैं खाने में बैठे हैं, तेरी मैं को तरसते हैं, मैं खाने में बैठी हैं और मैं को तरसते हालात है बगिया सा पत्थर से बरसते हैं, मैं खाने में बैठी तरसते हैं, मैं खाने में बैठे हैं, तेरी प्यास को तरसते हैं। दुर्भाग्य है दीवानों की महफिल में उतर करके भी अगर कोई व्यक्ति चतुर चालाक बना रहे, दोगला बना रहे, डबल डीलिंग कर रहे, क्लावरनेस ओवर क्लावरनेस में उतरे, होशियारी मन बुद्धि की, होशियारी हृदय की नहीं। हृदय से जो होशियार होते हैं वो दीवाने होते हैं, वो परवाने होते हैं। मन बुद्धि के जो होशियार होते हैं वो मक्खियां होता है। परंतु हृदय के दीवानों की नगरी में कभी कभी होशियार मक्खियां भी आती हैं, मच्छर भी आते हैं, कुछ बिगाड़ नहीं पाते, कुछ नहीं बिगाड़ पाते। अगर तेरी दीवानगी में तेरी प्यास में कमी नहीं, उनकी परवानगी में उनके प्रवाह में कोई डैम नहीं लगा सकता, कोई बात नहीं लगा सकता। उनकी प्यास, उनकी परवानगी, उनका दर्द, उनकी पीड़ा, उनकी व्यथा, उनके विरह की विराट शिखरों को कोई ढा नहीं सकता। वो इंटेग्रेटेड प्यास, वो दर्द कहीं डिसइंटेग्रेटेड नहीं होती। वो परवानों की है, दीवानों की है, मिट जाने वालों की है, कुर्बान होने वालों की है। वहां चतुर चालाक होशियार मन बुद्धि से नहीं टिक पाते, वो एक दिन एक्सपोज हो ही जाते हैं। प्लास्टिक के फूल कब तक धोखा देते हैं। दीवानों की दुनिया में होशियार भी रहते हैं, दीवानों की दुनिया में, परवानों की बस्ती में होशियार भी रहते हैं, दीवानों की दुनिया में चतुर चालाक भी बसते हैं, दीवानों की दुनिया में, दीवानों की दुनिया में होशियार भी रहते हैं, रखते हैं तालुक भी आवाज भी कसते हैं, रखते हैं तालुक भी आवाज भी कसते हैं, रखते हैं तालुक भी और निंदा भी करते हैं, रखते हैं
तालुक भी आवाज भी कसते प्यासों की दुनिया में प्रेमियों की महफिल में दीवानों की महफिल में दीवानों की दुनिया में घर कभी अंधेरा भी छा जाता है, घर कभी नेगेटिविटीज के बादल भी मंडरा जाते हैं, तो दीवाने खोजी मस्ताने उसके प्रेमी कभी भी गुमराह नहीं होते। दीवानों के पास आंख होती है, नजर होती है, उनके प्रेम में बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता, बहुत बड़ी प्रूडेंस, बहुत बड़ा जागा, बहुत बड़ी प्रज्ञा होती है। वो एकदम भाप जाते हैं, एकदम भाप जाते हैं। कौन कहां से क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। उनकी प्रूडेंस, उनका जागा, उनकी होश, उनकी प्रज्ञा का तराजू बहुत निराला है। उन्हें कोई भटका नहीं सकता। जो प्यासे हैं, दीवाने हैं, प्रेमी हैं, अनन्य भाव है जिनका, उन्हें कोई भटका नहीं सकता, उन्हें कोई भ्रमित नहीं कर सकता, उन्हें कोई खंडित नहीं कर सकता, उन्हें कोई खरीद नहीं सकता। वो बिक गए हैं जाके पुरुषों के हाथ में, वो खो गए हैं अपने रोशन मुनारों में, वो उतर गए हैं उस विराट में। उन्होंने टेस्ट लिया, स्वाद लिया, उन्होंने चखा है उस प्रेम रस को, उस अनन्य भाव को, उस अनन्य प्रेम को, उस दीवानगी को, जो रस अब कभी भी उनसे बिछड़ नहीं सकता, उनसे विलग नहीं हो सकता, जो कभी धोखा नहीं दे सकता, जो कभी धोखा खा नहीं सकता, प्रेम का पड़जाल में कभी फंस नहीं सकता। वो भीतर का एकमात्र सुरती द्वार, भीतर का जागरण, भीतर की होश प्रेममय होकर के जो उतरी है, जो प्यास बनकर के उतरी है, प्यासों की दुनिया में, प्यासों की महफिल में, प्यासों की रंगीनियों में, कोई अंधकार, कोई अंधियार, कोई अमावस उतार नहीं सकता। उनकी होशियारी यही है कि वो सदा जागे। जागना ही होशियारी है, जागरण ही होशियारी है। होशियार है तेरे दीवाने, क्योंकि वो भीतर की जागे है, होशपूर्ण है, सुरती द्वार पर है, वो अपने को जानता है, वो अपने केंद्र पर है, अपने सेंट्रल पॉइंट पर है, वो अपनी प्यास की बगिया में है, सुगंध लेकर के उतरे हैं, खिल के उतरे हैं, खिले हैं, एक ऐसे फूल की तरह जो कभी मुरझाता नहीं, उस विराट के फूल में, उस विराट के कमलवत जीवन में उतरे हैं। उन्हें प्रवाह नहीं समाज क्या कहता, उन्हें प्रवाह नहीं दाएं बाएं क्या कहते हैं, उन्हें प्रवाह नहीं कानाफूसी क्या कहती है, उन्हें प्रवाह नहीं किसी प्रकार के भी ओपिनियन की, पब्लिक ओपिनियन की, जो अपने भीतर अपने केंद्र पर खड़े हैं, अपने जागरण, अपने होश, अपने सुरती द्वार पर रहने वाले भटकाए नहीं जा सकते, वो फिसलाए नहीं जा सकते, वो कभी नेगेटिविटी को सपोर्ट नहीं करते, वो कभी उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। जहां दीवानगी, प्रेम, प्यास दबता चला जाए,
ऐसे पत्थर मन के जो बार बार दूसरों से उतरते हैं, दूसरों के पत्थर मन गिराता चला जाता अपने पे, उसकी चोट से कभी भी प्रवाह नहीं करते, उनकी चोट उन्हें छू भी नहीं सकती, वो पत्थर उन्हें छू भी नहीं पाते। वाकई जिनकी प्यास लगन उत्कंठा में कोई कामना नहीं, कोई एम्बिशन नहीं, कोई महत्वाकांक्षा नहीं, कछु बनने की, कछु बन बन के दिखाने की, बड़ा होने की, बन बन के दिखाने की, जहां महत्वाकांक्षा नहीं, एकमात्र मिटने की ही प्यास दिन रात पिरोए चले जाती, जहां मिटने की प्यास ही उतरती चली जा रही दिन रात, वहां ये महत्वाकांक्षाएं, ये एम्बिशन छू नहीं सकती। मिटना है धर्म मेरा, दीवाने कहते कछु बनना नहीं, बन बन के देख लिया, और जो बने हैं उनकी जिंदगी को भी देख लिया, निपट अंधेरा है, वहां अंधकार ही अंधकार है, अमावस ही अमावस है, कहीं पूर्णिमा का समावेश नहीं, कहीं कोई किरण हाय नहीं, ढूंढने पर भी नहीं मिलती, अहंकार ही अहंकार, अभिमान ही अभिमान, अस्मिता का अंधेरा है, जहां तनिक मात्र भी ये चट्टाने ये पत्थर छू नहीं पाते, चोट नहीं लगा पाते उन दीवानों की प्यास को, जो वाकई अनन्य भाव लेकर के उतरी है, अन्य अन्य से हट करके अनन्य में डुबकी लगाने को आतुर है, उनके अस्तित्व को कोई चोट नहीं लगा सकता, उन्हें प्रवाह नहीं पब्लिक ओपिनियन की, उन्हें प्रवाह नहीं किसी प्रकार के नेगेटिविटीज की, नेगेटिव माइंड की, नेगेटिव माइंड वहां पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिव माइंड भी मुंह की खा करके विदा हो जाए, ऐसी प्यास, ऐसा दर्द, ऐसा अनन्य भाव कितनी मजबूती लेकर के खड़ा है। तीर पे तीर चलते हैं नेगेटिविटी के, किंतु तेरी छाती पर तनिक मात्र कोई चोट नहीं लगा सकते, छू नहीं सकते, गिर जाती है अपने आप, क्योंकि जहां जिस छाती पर प्रेम प्यास और मोहब्बत का आलम बरसता है, वहां कोई भी किसी प्रकार के नकारात्मक स्थितियां, नकारात्मक स्वभाव के लोग कितने भी तीर चलाएं, कोई कितना भी मंत्रा शकुनी बनकर के उतरे, कोई भी तीर वहां पर प्रभावी नहीं हो सकता, वहां प्यास का आलम जगा है, जो सेल्फ प्रूविंग एंटिटी है, जहां प्रूफ स्वयं है वो, जहां सबूत स्वयं है वो, वहां कोई भी नेगेटिविटी काम नहीं कर सकती, हर घड़ी पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव प्यास का स्वरूप है, प्यास का स्वभाव है, जिसमें परमात्मा उतरता है। एक एक लम्हा, एक एक पल, एक एक क्षण उसी को तरसता है, उसी की तड़पन में डूबा है। अगर संसार के प्रेमी प्रेमिका को कोई विचलित नहीं कर सकता, वासना कामना में डूबे हुए प्रेमी प्रेमिका को, संसारिक प्रेमी प्रेमिका को कोई विचलित नहीं कर सकता, कोई भटका नहीं सकता, तो प्रभु प्रेमी को, प्रभु प्यासे को भला कौन भटका सकेगा, अगर वो प्यास वो प्रेम सच्चा है, उसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई ईगो नहीं, कोई एम्बिशन नहीं, उसे कौन भटका सकता है। इसलिए मन के भटकाओं में, मन के उतारे हुए पत्थरों में, गिराए हुए पत्थरों में, मन की बरसात के इन तमाम दौर में कभी घबराना नहीं, यह सब्जेक्ट भीतर का है, मन ही है एकमात्र कारण, कोई दूसरा नहीं, मन बाहर से जो 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 रिसीव करता है नेगेटिविटी है, मन भीतर से जो जो रिसीव करता है पॉजिटिविटी है, सारा का सारा रौला एकमात्र माइंड।
कोई दूसरा नहीं। ये तेरी प्यास के तराजू में स्वयं तुझको अनुभव होता है। ये पत्थर बन के गिराए हुए माहौल फूलों सा है, बगिया सा है, रोज गार्डन सा है, अनूठा है, परंतु मन के गिराए हुए पत्थरों से दब गया है। दबना नहीं चाहिए, डटना चाहिए। अपनी प्यास में, मन के प्रति नहीं, अपनी प्यास में। तुम रोशन मुनारा हो, ओ गुरुवर, ओ मेरे मुर्शिद, ओ मेरे प्रीतम, मेरे साहिबा, ओ निराकार परमात्मा के साकार रूप, ओ मेरे मालिक, मेरे मुर्शिद, ओ मेरे जाके पुरुष, ओ मेरे सच्चे मित्र, मेरे प्यारे मित्र, मेरे दोस्त, दीवानगी में उतरे हुए दोस्त। तुम रोशन मुनारा हो, तुम रोशन मुनारा हो, तुम जानो तो सब जानो। तुम रोशन मुनारा हो, जानो तो सब जानो। नागों की तरह लम्हे तन्हाई में डसते हैं, नागों की तरह लम्हे तेरी प्रतीक्षा में, तेरी इंतजारी में डसते हैं, तन्हाई में डसते, तन्हाई में डसते। माहौल है फूलों सा, पत्थर से बरसते है। मैं खाने में रहते हैं, तेरी दीद को तरसते हैं। मैं खाने में रहते हैं, तेरे प्रेम को तरसते हैं। एक नजर को तरसते हैं, एक नजर को तरसते हैं। मैं खाने में बैठे हैं और मैं को तरसते हैं। मैं खाने में बैठे हैं और मैं को तरसते हैं। माहौल है फूलों सा, मन के पत्थर बरसते हैं। माहौल है फूलों सा, माहौल है फूलों सा, माहौल है फूलों सा, पत्थर से बरसते हैं। मैं खाने में बैठे हैं और मैं को तरसते हैं। मंदिर में बैठे हैं, राम रस को तरसते हैं। सत्संग में बैठे हैं, प्रेम रस को तरसते हैं।